विकास और पोशाक कोष के रुपया हो कहा जाइए सब चेतवा कैश हो तैयो तो विकास हो स्कूल के ही अनदेखार बात के लोगवा अब देखते ही रखा है कलम आए बोलते ही मुजफ्फरपुर जिले के कांटी क्षेत्र में नूतन साहित्य परिषद की ओर से प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जयंती के अवसर पर सम्मान समारोह कवि संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र की अध्यक्षता में समारोह में जिले के विभिन्न हिस्सों से साहित्यकार कवि व लेखक कार्यक्रम में शामिल हुए। सर्वप्रथम फणीश्वर नाथ रेणु के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन करते हुए फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि रेणु जी अपने जीवन काल में कई प्रकार के लेख और लेखनी में भी जीवित हैं। परिषद के संरक्षक साहित्यकार स्वराज लाल ठाकुर ने कहा कि संबोधन में कहा कि साहित्य अतीत वर्तमान और भविष्य के चिंतक होते हैं। वही परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि साहित्य के माध्यम से आने वाले सभ्यता और संस्कृति को जागरूकता बढ़ती है। आगे क्या उन्होंने कहा है मीडियाकर्मी के से बात करने के दौरान सुनिए। आज फणीश्वर नाथ रेणु का जन्मशती समारोह था, उन्हें शताब्दी जन्म के आज अगर वो जिंदा होते तो 100 वर्ष के हो गए होते, और उसी कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें इन मित्रों को बुलाया था। फणीश्वर नाथ रेणु सदा से मेरे प्रिय लेखक रहे हैं और सदा से मैं उनकी रचनाओं को पढ़ता भी रहा हूँ और मित्रों में भी उनकी रचनाएं, उनकी वो पूरी मैंने संग्रह, मैंने ये पूरी पूरा का पूरा संग्रह मैंने 2 बार कांटी कॉलेज को दिया और 2 बार पानापुर कॉलेज को भी वो पूरा का पूरा संग्रह बेनी पुरी जी की और फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनका लेखन मुझे अच्छा लगता है। इनके लेखन में ये रचनाओं में लय ताल और विद्रुमता सारा कुछ इस कदर वर्णित है और सारा कुछ इस कदर वर्णित है कि हम गदगद हो जाते हैं उसको पढ़ने के बाद। मैं अपने मित्रों से भी सलाह करता हूँ कि उनकी रचनाएं खूब पढ़ें और उनकी रचनाएं पढ़े भी नहीं गुने भी गुने। सर अवसर पर सम्मानित भी किया गया है लोगों को, विशेष अपने कार्य क्षेत्र में जिन लोगों ने कुछ विशेष किया है, कुछ खास किया है, उन तमाम लोगों को मैंने सम्मानित किया। और उसके पीछे मेरा ये परिषद ये जानना चाहता था कि उन लोगों ने जो किया उससे प्रेरित होकर हमारा समाज उनकी दिशा में बढ़े, उनके किए हुए कार्यों की कार्यों के कानुकरण करें।